गुजरात टाइटंस ने केकेआर को 7 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की, जहां पे गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया और केकेआर को पहले बैटिंग करनी पड़ी। और पहले बैटिंग करते हुए केकेआर की तरफ से रहमतुल्ला गुरबाज ने 39 बॉलों में 81 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। और उनके साथ वेंकटेश अय्यर ने 14 बॉलों में केवल 11 रन बनाए और रिंकू सिंह ने भी 20 बॉलों में केवल 19 रन बनाए। उसके बाद आंद्रे रसल क्रीज पर आए, जिन्होंने 19 गेंदों में 34 रन की शानदार पारी खेली, जिसके चलते केकेआर 7 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना पाई। और गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद शमी ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए और 180 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की तरफ से बैटिंग करते हुए सुमन गिल ने 35 बॉलों में 49 रन बनाए और उनके साथ कप्तान हार्दिक पांड्या ने 20 बॉलों में 26 रन बनाए। और उनके बाद विजय शंकर क्रीज पर आए, जिन्होंने 24 बॉलों में 51 रन की शानदार पारी खेली और उनके साथ डेविड मिलन ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसके चलते गुजरात टाइटंस 18वें ओवर में ये मैच जीत गई और केकेआर को हार का सामना करना पड़ा।